जैसे मुझे दो डेट्स के बिटवीन का डेटा लेना है. लेट मी यूज अ टेबल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. दिस इज द टेबल्स. ये टेबल की स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को दी है, राइट? तो अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करता हूँ तो ऑर्डर्स का टेबल का पूरा जो डिटेल्स है वो डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिलेगा. नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में बॉटम साइड में मुझे रोज मिलते हैं कि कितने रोज मुझे इस पर्टिकुलर टेबल से मिल रहे हैं. तो 9994 ये मुझे नंबर ऑफ रोज मिल रहे इस ऑर्डर के टेबल से. मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट नाम का एक कॉलम है. तो मुझे ऐसी ऑर्डर चाहिए बेसिकली. लेट्स से दिस इज 10th of November 2021, राइट? तो लेट मी सी. ऑर्डर बाय मैं करता हूँ उधर से 3rd of January 2018. यहाँ से डेटा शुरू होता है हमारा. बेसिकली ये ऑर्डर बाय क्या करता है, आप जिस कॉलम के बेसिस को डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो वो करता है. जैसे कि फर्स्ट मैंने जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स को रन किया था तो वो मुझे डेटा कैसे शो करता है. एक कोई भी सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं, जैसे जैसे रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट होते गए हैं वैसे डेटा शो करेगा. लेकिन मैं अगर पर्टिकुलरली देखना चाहता हूँ कि ऑर्डर डेट की असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में मुझे डेटा को देखना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करता ऑर्डर डेट के आगे, तो इट इज बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वन, जिसको हम ASC ऐसे लिखते हैं, असेंडिंग. अगर मुझे असेंडिंग मतलब लो से हाई और डिसेंडिंग मतलब हाई से लो, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय ये जो सिंटैक्स है उसके बाद ऑर्डर डेट लिखा हुआ है, तो ऑर्डर डेट की असेंडिंग से मतलब सबसे कम वाली डेट ऊपर आएगी, सबसे मैक्सिमम वाली जो होगी वो लास्ट में जाएगी. तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट के आगे असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा. ठीक है, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ASC अगर मैंने लिखा तो असेंडिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ असेंडिंग. ठीक है, तो मैंने अगर इसको रन किया इस क्वेरी को तो ऑर्डर डेट असेंडिंग के फॉर्म में आ जाएगी. फर्स्ट ऑर्डर इज 3rd of March 2018. ठीक है, तो अगर मुझे देखना है जैसे कि 3rd of January 2018 से लेके या 1st of January 2018 से लेके 31st of March 2018 तक कितनी ऑर्डर्स थी, 3 महीने का पीरियड है. मैंने मेरे पास दो डेट्स है, मुझे दो डेट्स के बिटवीन की ऑर्डर्स चाहिए. तो उसके लिए हम ऐसे सिंटैक्स लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ऑर्डर डेट बिटवीन 0 to 20 January month. ऐसे में लिख सकता हूँ. अगर मैंने इसको रन किया तो मुझे
ये जो ऑर्डर्स है ये सारी ऑर्डर्स कब से मिलेगी? 1 जनवरी 2018 से लेके 31st ऑफ मार्च 2018। अभी फिलहाल देखो हमारे पास कुछ ऑर्डर्स है जनवरी मंथ की, कुछ है फरवरी मंथ की और कुछ है मार्च मंथ की। इसमें सिर्फ आपको जनवरी से मार्च के लेकर जितने ऑर्डर्स है उतनी ही मिलेंगी बस, ठीक है। तो बिटवीन जो है फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? अगर मुझे दो डेट्स के बीच का डेटा चाहिए देन आई यूज बिटवीन, ठीक है। बिटवीन समझ में आया? बिटवीन जब भी यूज करोगे तो एंड आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिटवीन के बाद आपको फर्स्ट डेट पास करनी है देन एंड सेकंड डेट। बिटवीन सिर्फ डेट के लिए भी नहीं यूज हो सकता, आप इसको किसी इंटीजर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके डेटा में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि आपको अगर 1 to 5 चाहिए तो आप लिख सकते हो कि बिटवीन 1 and 5, राइट। जैसे मेरे पास आईडी का कॉलम है और आईडी के कॉलम में जैसे मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के रिकॉर्ड है, राइट। 10 रिकॉर्ड से हर एक रिकॉर्ड के लिए आईडी का कॉलम जो है वो यूनिक है, 1 से लेकर 10 तक मुझे दिखाता है। वो सिक्वेंस वाइज है, आपको पता है कि 1 to 10 एक सिक्वेंस वाइज है। तो अगर आपको सिर्फ 5 रिकॉर्ड चाहिए ऊपर के 1 से लेकर 5 वाले, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना कि आईडी बिटवीन 1 and 5, राइट। इंटीजर कॉलम है, सिक्वेंशियल के साथ है, इसलिए आप लिख सकते हैं उसको, क्योंकि जो नंबर होता है नंबर में एक रेंज होता है। टेक्स्ट के लिए आप ये नहीं यूज कर सकते, राइट। आप टेक्स्ट के लिए ऐसे नहीं बोल सकते कि ए से लेके जेड तक की मुझे वैल्यूज दो, ऐसे नहीं होगा। आप रेंज दे सकते हो, लेकिन रेंज किसके लिए दे सकते हो? इंटीजर के लिए दे सकते हो, डेट के लिए दे सकते हो। लेकिन आप वैसे दे सकते हो, लेट्स से कि आप कस्टमर नेम बिटवीन ए टू जेड, बट उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। आप क्या रेंज दोगे कस्टमर नाम का? कस्टमर का नाम जो है वो ए से लेके जेड तक ऐसे ऐसे हो? तो दे सकते हो वैसे, बट वैसे होता नहीं है इन रियल प्रैक्टिस, क्योंकि रेंज जो होती है हमेशा आप एक नंबर यूज करते हो या डेट्स यूज करते हो उसके लिए। आप अगर मुझे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है तो मैं पर्टिकुलर डेट्स के बीच के रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करूँगा, या कोई यूनिक जो आईडीज रहेगा, जो यूनिक रहेगा उनके बीच का फाइंड आउट करूँगा मैं। मोस्टली टेक्स्ट तो मेरे पास लिमिटेड है ना, मतलब ए टू जेड जो 26 कैरेक्टर है उसके बाद तो वो खत्म होने वाला है, तो फिर उसका सीक्वेंस बनेगा नहीं ना। आप 26 ही रिकॉर्ड नहीं रखने वाले उसमें, आपके पास तो मिलियंस ऑफ डेटा है तो आपको भी एक सीक्वेंस तो नंबर ही देगा, करेक्ट, ठीक है। बिटवीन समझ में आया? ओके। पर अपडेट कमांड यूज करते टाइम में भी ओनली पर्सी चेंज हो सकते हैं क्या? क्या क्या अपडेट? क्या अपडेट कमांड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं अपडेट कमांड टाइम में भी मतलब नंबर्स और डेट्स ही चेंज होते हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ नाम वगैरह होगा तो वो नहीं चेंज होगा, अपडेट नहीं कर सकते? होगा होगा जरूर, क्यों नहीं होगा, होगा जरूर होगा। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर, ये जो अपना वाला टेबल था अभी यहाँ पे सब इंटीजर वैल्यू, जैसे मैंने कोई एक कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम का, टेक्स्ट वाला कॉलम ऐड कर दिया, तो अगर मुझे उस टेक्स्ट को चेंज करना रहेगा तो मैं इस ऑर्डर आईडी का रेफरेंस देके चेंज कर सकता हूँ ना कि क्वांटिटी में या जो उस प्रोडक्ट का नाम है। लेट मी ऐड दिस सर टेबल अमेज़न
फिलहाल के लिए तो यहाँ पे इस अमेजन ऑर्डर में इसकी वैल्यूज नल ही होंगी ना, क्योंकि कुछ वैल्यू पास ही नहीं है, करेक्ट। तो अगर मुझे इस नल को अपडेट करना रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट अमेजन ऑर्डर, राइट, सेट equal to say iPhone where the ID is equal to 1. अभी मुझे इस आईफोन को चेंज करना है किसी और चीज से, मैं इंस्टेड ऑफ दिस आईफोन मैंने यहाँ पे डाल दिया मोटो का फोन, मोटो फोन, ठीक है, इसको मैंने वापिस अपडेट किया तो ये आईफोन चेंज हो जाएगा ना मोटो से, ये मोटो फोन आ गया। तो मतलब आगे जो भी चेंज करना है वो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। बट दिस इज रिगार्डिंग इफ यू आर पासिंग टेक्स्ट वैल्यू, आप टेक्स्ट पास कर रहे हो, डेट पास कर रहे हो, मैंने बोला ना कि वेयर केयर और डेट, ये दो डेटा टाइप्स को हमें सिंगल इनवर्टेड कॉमा में पास करना होता है। इंटीजर्स को हम वैसे के वैसे रखते हैं, जब अगर हमें इस प्रोडक्ट के आईडी को चेंज करना पड़ेगा तो मैं सिंपली पास करूंगा 3 या जो भी रहेगा, जो मुझे प्रोडक्ट आईडी पास करना रहेगा, क्योंकि वो एक इंटीजर है तो मैं उसको सिंगल इनवर्टेड कॉमा में पास नहीं करूंगा, मैं ऑलवेज इंटीजर्स पास सिंपली मैं उसको विदाउट सिंगल इनवर्टेड कॉमा ही पास करूंगा। लेकिन अगर वो कोई वेयर केयर है, जैसे प्रोडक्ट नेम उसका डेटा टाइप वेयर केयर है, या अगर कोई डेट होता तो भी मुझे सिंगल इनवर्टेड कॉमा पास करना पड़ता, समझे। बिटवीन ऑपरेटर समझ में आया सबको, लेट्स अंडरस्टैंड इन इन क्लॉज। लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, अपने पास ऑर्डर्स का एक टेबल है, इसमें एक कॉलम है, कौन सा, दिस वन, कैटेगरी का एक कॉलम है, ठीक है, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। अगर मुझे देखना है लेट्स से कि इस पर्टिकुलर कॉलम्स में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यू समझते हो, यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू, नहीं समझते, मेरे पास आईडी का कॉलम है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे वापस 2 लिखा है, सॉरी 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 रोज है। मैं अगर बोलूँ आपको कि मुझे इसमें से यूनिक रिकॉर्ड बताओ, यूनिक कितने हैं, 1, 2 and 3, ये यूनिक है ना, तो इस यूनिक को निकालने के लिए आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया या क्या प्रोसेस फॉलो किया कि जो डुप्लीकेट वाले हैं उनको आप एक ही बार काउंट करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट अ डिस्टिंक्ट। आप कोई भी कॉलम्स के अंदर के डुप्लीकेट्स अगर रिमूव कर देते हो तो उसमें जो बचता है वो क्या होता है, यूनिक होता है या डिस्टिंक्ट होता है। वैसे ही अगर अपना जो ऑर्डर का कॉलम है उस ऑर्डर के टेबल उस ऑर्डर के टेबल में मेरे पास कैटेगरी का जो कॉलम है इसमें मल्टीपल कैटेगरी जो है वो डुप्लीकेशन के फॉर्म में दिख रही है, राइट, जैसे ऑफिस सप्लाई यहाँ डुप्लीकेट है, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी, तो अगर मुझे ये देखना है कि इस कैटेगरी के कॉलम में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो मैं फंक्शन यूज करता हूँ डिस्टिंक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टार मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, कि अगर मुझे स्टार नहीं चाहिए
select instead of star, I am mentioning my column name. Yeah, let's say मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ select from orders. Normally हम यहाँ पे क्या mention करते हैं, star mention करते हैं कि सारे records के लिए या सारे columns के लिए. मुझे लेना है बस category का column. मैंने बस कैटेगरी का नाम डाला यहाँ पे, इसको रन किया तो आउटपुट में कितने कॉलम मिलेंगे हमें, एक ही कॉलम मिलेगा कैटेगरी का. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस कॉलम. इसमें रोज कितने दिख रहे हैं, 9994 रोज दिख रहे हैं, राइट. इसने सिंपली क्या किया कि बस एक कॉलम आपके सामने रख दिया जो आपने यहाँ पे फेच किया था. तो मैं इस ये जो कैटेगरी है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टिंक्ट ब्रैकेट कैटेगरी, उस कॉलम का नाम जो आपको चाहिए. इफ आई रन दिस, वो मुझे उस कॉलम में से डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट रिमूव करके बस देगा कि उसमें से तीन कैटेगरी जो है डिस्टिंक्ट है, ऑफिस सप्लाई फर्नीचर टेक्नोलॉजी. मतलब 9994 जो रिकॉर्ड्स थे उसमें बस ये तीन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, बाकी सब डुप्लीकेशन के फॉर्म में. डिस्टिंक्ट समझ में आया कि डिस्टिंक्ट कैसे यूज कर सकते हो आप? आपको डिस्टिंक्ट पास करना पड़ेगा, देन कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा कि जिस कॉलम के ऊपर आप डुप्लीकेशन रिमूव करना चाहते हो या डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकालना चाहते हो उसके अंदर से, ठीक है. अभी मुझे ये पता चल गया कि इस कैटेगरी के कॉलम में ऑफिस सप्लाईज फर्नीचर टेक्नोलॉजी ये वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है. तो लेट्स से मुझे अगर ऑफिस सप्लाईज इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए देखना है कितने ऑर्डर्स है, तो हम कैसे क्यूरी लिख सकते हैं. मुझे देखना है कि ऑफिस सप्लाई इस कैटेगरी के लिए कितनी ऑर्डर्स मेरे पास है. लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू ऑफिस सप्लाई, राइट. बट ये ऑफिस सप्लाई ऐसे पास करना पड़ेगा या सिंगल का, क्यों पास करना पड़ेगा सिंगल में, इसका डेटा टाइप वेयर क्या है. नाउ इफ आई रन दिस, ये मुझे क्या फिल्टर आउट करके देगा, ओनली कैटेगरी जो है वो ऑफिस सप्लाईज है. यू सी ये जो कैटेगरी है इसमें सिर्फ ऑफिस सप्लाईज दिख रहा है और रोज भी कम हो गए, 6026 दिख रहा है जो कि 9994 है, ठीक है. नाउ आपने एक कैटेगरी के लिए तो फिल्टर आउट कर दिया, लेट्स से मुझे अभी ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी इन सभी इनके लिए भी रिकॉर्ड चाहिए. ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी मुझे इन दो कैटेगरीज के लिए चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आप एंड लिख सकते हो एंड देन दिस टेक्नोलॉजी यू कैन कॉपी. ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे वो रन होगा. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन बुलियन टाइप स्पेसिफाइड इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर कंडीशन इज एक्सपेक्टेड नियर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एरर शो कर रहा है आपको. तो आपको ये पूरा पास करना पड़ेगा ना, कैटेगरी इज इक्वल टू ये जो है ये यहाँ पे भी डालना पड़ेगा. कैटेगरी इज इक्वल टू ऑफिस सप्लाईज एंड कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी. क्या आउटपुट आ रहा है, नल आ रहा है ना. क्यों नल आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे आप एंड पास कर रहे हो तो ये एक लॉजिक हुआ ना कि ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जिनकी कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज भी है एंड टेक्नोलॉजी भी है. समझ में आ रहा है आपको, ये जो हमारा कॉलम है इसमें एक वैल्यू है ना ऑफिस सप्लाईज, ऐसा कोई है क्या ऑफिस सप्लाईज कॉमा टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई नहीं है ना.
हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक ऑर्डर के लिए एक ही कैटेगरी दी हुई है हमने। लेकिन हम क्यूरी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्स दो जिसकी कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज भी है एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए प्रोडक्ट ये जो क्यूरी है ये हमें क्या करती है, ब्लैंक शो करती है रिकॉर्ड्स। तो इसको हमें, अगर हमारा मोटिव क्या है, हमें ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जो ऑफिस सप्लाईज है एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये एंड जो है, ये जो क्यूरी है, जो रिक्वायर्ड क्यूरी है, ये हम ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कैटेगरी एन कॉमा फर्स्ट इज माय ऑफिस सप्लाईज कॉमा दूसरी कैटेगरी टेक्नोलॉजी नाउ इफ आई रन दिस कैटेगरी में ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिजल्ट मिला, रोज है आपके 7873 रोज, ठीक है, समझ में आया। ये एंड ऑपरेटर क्या कंडीशन चेक कर रहा है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के चक्कर में है। अगर आपने यहाँ पे एंड की जगह और डाल दिया ऐसे डाल दिया और कितने आए 7873 क्यों आए, क्योंकि अब वो एक ही कंडीशन चेक कर रहा है, कैटेगरी एक तो ऑफिस सप्लाई हो और कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। ये एंड और का जो लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है, जैसे आउटपुट में राइट, हमने ये मैथ में पढ़ा है ना कि अगर मेरी, जैसे मेरे पास एक टेबल हो 1110, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है राइट, देन 0100। तो मैथ क्या कहता है, अगर मैं इसको एंड करूं, अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करूं, तो 11 का आउटपुट क्या होता है, 1 होता है, बराबर, क्योंकि वो क्या चेक करता है कि फर्स्ट कंडीशन 1 है, सेकंड लॉजिक भी 1 है, दोनों ट्रू है तो 1 है। अगर मेरा फर्स्ट जो लॉजिक है वो ट्रू है, सेकंड 0 है, तो मुझे क्या आउटपुट देता है, वो 0 देता है वो। तो 1 आने के लिए मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हो तो मुझे आउटपुट में 0 ही मिलेगा राइट। यही चीज अगर मैं और ऑपरेटर यूज करके करता हूँ, 11 का आउटपुट 1 मिलता है, 10 का आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि आइदर एक कोई भी कंडीशंस 1 हो तो भी ट्रू है वो, दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन ट्रू रहेगी तो भी मुझे आउटपुट ट्रू मिलता है, 01 में भी 1 मिलता है, 0 0 0 0 0। तो और कंडीशन जो है वो और कंडीशंस, दोनों कंडीशंस में भी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो आउटपुट आपको ट्रू ही देता है। सेम वे यहाँ पे जो हम यहाँ पे और कंडीशन सेट किया, वो और कंडीशन ने क्या चेक किया, पहले तो चेक किया कि फर्स्ट रो में चेक किया कैटेगरी इज इक्वल टू ऑफिस सप्लाई है क्या। यहाँ पे पैरामीटर जब आप एंड यूज कर रहे तो वो क्या कर रहा था, रो में चेक जाके ऑफिस सप्लाईज एंड कैटेगरी दोनों को चेक कर रहा था एक ही सेल के अंदर। अभी एक ही सेल के अंदर वो क्या चेक कर रहा है, एक ही वैल्यू चेक कर रहा है ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज उसको मिला तो देन इट इज फाइन, वो ऑफिस सप्लाईज का रिकॉर्ड ले रहा है, लेकिन ऑफिस सप्लाईज उसको मिला नहीं तो वो सेकंड कंडीशन भी चेक कर रहा है कि उस रो में, उस सेल में टेक्नोलॉजी भी है क्या। तो उसको टेक्नोलॉजी मिला तो वो रिकॉर्ड को ले रहा है, मतलब अगर ऑफिस सप्लाईज भी मिला तो भी रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी मिला तभी भी रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है। Then office supplies and technology के लिए आपको 7873 record मिल रहा है even using all conditions, ठीक है, and in conditions, ये जो conditions होती है, ये conditions always क्या check करती है, और conditions check करती है। ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे और लिखा हुआ है, instead of this आप ऐसे लिख सकते हो उसको in operators के अंदर, ठीक है,
आप आइदर और यूज कर सकते हो या इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, दोनों कंडीशन दोनों क्वेरी सेम ही है या गुना पे दोनों सेम ही है, बस मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ और ये कैटेगरी का जो फिल्टर ये डबल डबल लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बस कैटेगरी इन लिख रहा हूँ ऑपरेटर, और जो मेरी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है ये जिनके ऊपर रिजल्ट चाहिए फिल्ट्रेशन चाहिए उनको बस कॉमा सेपरेटेड करके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। सो दिस इज द मोर सोफिस्टिकेटेड वे टू राइट अ क्वेरी, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको एक ही जगह पे सारी जो फिल्ट्रेशन की वैल्यूज है ब्रैकेट्स के अंदर मिल जाएगी। अभी फिलहाल ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास जैसे तीन कैटेगरीज है तो आप वैल्यूज को डाल रहे हो, जैसे हो सकता है 15-20 कैटेगरीज हो, तो उस केस में ब्रैकेट्स के अंदर उनको पुट करना इजी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हर टाइम आपको ये टाइप करना पड़ेगा राइट, यहाँ पे और डालना पड़ेगा, वापिस एक और डालना पड़ेगा, वापिस कैटेगरी इज इक्वल टू, तो क्यूरी का ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब आप डुप्लीकेटेड बहुत क्यूरी टाइप कर रहे हो। लेकिन इस केस में नीचे वाले केस में वो टाइपिंग हो रहा है कि आपका नहीं हो रहा है राइट, आप सिंपली कैटेगरी जो वर्ड है वो आप एक ही बार यूज कर रहे हो यहाँ पे, और इन ऑपरेटर के अंदर जितनी भी आपको कैटेगरीज चाहिए वो कैटेगरी बस कॉमा सेपरेटर करके लिख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज समझ गई, इन ऑपरेटर्स कब यूज करना है आपको, कि आपको मल्टीपल्स फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया अप्लाई करने हैं, सिंगल रो के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए एक ही कॉलम्स का रेफरेंस लेके हुए, देन यू कैन यूज इन ऑपरेटर्स दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा आपको, देन इन whatever the items or values you required, that values need to be passed over here. जैसे हमारे केस में office supplies, technology. In operator समझा? And an or operator. तीनों concept clear है, and in operator. Or in operator, दोनों same ही काम करते हैं, बस दोनों का लिखने का तरीका अलग है, and पूरी तरह से different है। एंड का बिहेवियर क्या करता है, दोनों का लॉजिक वो चेक करता है, जो एंड conditions के आपने डाला हुआ है वो दोनों की वैल्यू अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी एंड तभी आपको आउटपुट में वो देगा वैल्यूज, इधर नहीं देगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज लाइक ऑपरेटर। ठीक है, सो लेट्स से सेलेक्ट, मेरे पास कस्टमर नेम का एक कॉलम है यहाँ पे, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, मैं ये दो कॉलम्स ले रहा हूँ इस ऑर्डर की टेबल्स के अंदर से। ठीक है, 999-4 रिकॉर्ड्स मेरे पास है, अभी मुझे ऐसे क्या? अभी मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से जो ए से स्टार्ट होते हो, ऐसे कस्टमर नेम चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, उसके लिए ऐसा सर्च करने के लिए हमें लाइक ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते, तो मैं क्यूरी ऐसे लिखूंगा, क्यूरी लेट मी कॉपी दिस, आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, वेयर कस्टमर नेम लाइक percentage. मैं like operator के आगे जिनको अपन wild cards भी बोलते हैं इनको कभी कभी, ठीक है, तो ये like operator क्या करता है, customer name में जाएगा और search करेगा कि A जो है ये percentage size क्या denote करता है, कि A के बाद सब कुछ, A के बाद की उसको value वो check नहीं करता, लेकिन वो check करेगा कि A से start हो रहा है क्या। अगर इसको run करूं मैं तो सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे कस्टमर ने, देखो 784 रोज मिले मुझे जो ए से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो लाइक ऑपरेटर मैंने पुट किया उसमें क्या किया, जो मुझे फाइंड आउट करना है
से ए से स्टार्ट चाहिए तो मैं ए को फर्स्ट लिख रहा हूँ एंड देन परसेंटेज साइन मैंने डाला, मतलब ए से स्टार्ट, उसके आगे कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा मुझे, लेकिन ए से स्टार्ट चाहिए। सेम वे अगर मुझे देखना रहेगा कि एन से एंड वाले, एंड होने वाले कस्टमर नेम कौन से है, राइट? ऐसे कस्टमर नेम जो एन से एंड होते हो, तो सेम क्यों लिखूंगा मैं वेयर दिस नेम्स लाइक्स, ये जो परसेंटेज साइन है, ये परसेंटेज साइन मैं अभी पहले दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किस लेटर से स्टार्ट होते हैं या पहले कुछ है उस वर्ड के, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि उसका लास्ट जो है वो एन चाहिए, तो मैं परसेंटेज पहले लिख रहा हूँ एन बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है? परसेंटेज मतलब एवरीथिंग बिफोर एन, लेकिन एंड विथ एन। तो इसको अगर मैं रन करूं, देखो सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे कस्टमर के नाम जो एन से एंड होते हैं, सी सर, इससे हम डेट भी फाइंड कर सकते हैं ना, पर्टिकुलर डेट। बट परसेंटेज व्हाई यू रिक्वायर्ड परसेंटेज इन डेट, आप सिंपली ऑर्डर डेट इज इक्वल टू वो डेट भी डाल दो ना। हां नहीं नहीं वही वही लाइक यूज करके हम खाली पर्टिकुलर डेट आई, बट लाइक ऑपरेटर इज मोर टुवर्ड्स वेयर केयर डेटा टाइप्स। आप लाइक ऑपरेटर यूज करके डेट को कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट आस्क दैट, हो सकता है क्या? नहीं, आप जैसे कि हम देखो ना कि जैसे मेरे पास ऑर्डर डेट का कॉलम है, तो अगर मुझे स्पेसिफिक डेट फाइंड आउट करनी रहेगी तो मैं लाइक ऑपरेटर यूज करने से अच्छा मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा ना कि वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू दैट पर्टिकुलर डेट इन सिंगल इनवर्टेड कॉमा। वैसे भी तो वेयर क्लॉज में मुझे वो ऑर्डर डेट का उस डेट का ही रिकॉर्ड्स मिलेगा ना, तो लाइक ऑपरेटर का कोई मतलब ही नहीं बनता वहां। लाइक ऑपरेटर इज मोर टुवर्ड्स आपके जो वेयर डेटा टाइप्स के कॉलम्स हैं उनके लिए, ठीक है? ये दो समझ में है? तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं अपर लोअर टेक्स्ट फंक्शन, वो देखेंगे, ठीक है? और एसक्यूएल जो है, डीएसक्यूएल जो है, वो मोर टुवर्ड्स केस सेंसिटिव, आप ए स्मॉल ए कैपिटल ए जो भी रहेगा डेटाबेस में वो सिंगली कंसीडर करता है उसको। मैंने स्मॉल भी डाला तभी भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ए से स्टार्ट किया हुआ ऐसे लिखा है, राइट? दिस इज द फर्स्ट क्यूरी हमने जो लिखी, ये हमारा ए से स्टार्ट हो रहा था, तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैंने, क्योंकि अभी आई डोंट नो कि ये जो हम Till I'm getting 784 rows. तो वो फर्क नहीं करता कि कैपिटल ए या स्मॉल है। सम जैसे पोस्टले वगैरह हो गए या आई थिंक ओरेकल हो गया, उनमें वो मैटर करता है कि आप कैपिटल ए डाल रहे हो या स्मॉल ए डाल रहे हो, बट दिस इज केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है। DSQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आपके डेटाबेस में स्मॉल ए या कैपिटल ए भी है और आप मतलब नाम में कैपिटल ए है और आपने स्मॉल ए भी डाला हुआ है सर्चिंग के लिए, तभी वो कैपिटल ए को भी कंसिडर करेगा सर्चिंग कैटेगरी में, वो कैपिटल अपर एंड लोअर का वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करता, खासकर इस DSQL में। देखते ना, लेट मी कवर ऑल द टॉपिक फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है, तो लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा चाहिए, ये जो फर्स्ट नाम दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? एन ल्यूम, ऐसा नाम दिख रहा है, राइट? तो लेट्स से मुझे चाहिए कि सेकंड जो कैरेक्टर है वर्ड का, सेकंड कैरेक्टर मुझे एन चाहिए, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैरेक्टर मुझे चाहिए बी एन एल। अगर इसको मैं काउंट करूं तो ए फर्स्ट, ये दो एन है तो वन टू थ्री हो गए, बीच का एक स्पेस उसको भी काउंट होगा फोर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ b
बी एन एल राइट। तो रिक्वायरमेंट ऐसी है मेरी, जैसे इस कस्टमर नेम से सेकंड कैरेक्टर जो है वो चाहिए मुझे एन, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैरेक्टर चाहिए मुझे बी एल, ऐसे चाहिए मुझे। रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? सेकंड कैरेक्टर मुझे एन चाहिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैरेक्टर बी एंड एल चाहिए, बाकी कुछ भी रहने दो मुझे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर सॉरी सेकंड कैरेक्टर एन चाहिए। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट मी कॉपी दिस थ्योरी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी सेकंड कैरेक्टर मैंने बोला है तो इससे आगे भी कुछ है ना राइट। तो कैरेक्टर्स के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मैंने अंडरस्कोर डाला कि फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ दो, सेकंड कैरेक्टर मुझे चाहिए एन, देन अगेन थर्ड फोर्थ कैरेक्टर के लिए दो अंडरस्कोर यूज किए मैंने, बी एल चाहिए एंड देन एवरीथिंग आफ्टर इट। फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ दिया, सेकंड कैरेक्टर चाहिए मुझे एन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ छोड़ दी, थर्ड फोर्थ छोड़ दिया मैंने, देन चाहिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ बी एल। इसको रन किया ठीक, आपका यही डाउट था ऐसे ही? आप क्या बोल रहे थे कैसे? स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ, एंड्स विथ एन, ऐसे ठीक है। तो मैं इसकी ओर का नहीं, पहले मुझे ये बात हो, ये अंडरस्टैंड होगा सबको, ये जो हमने किया यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, सेकंड कैरेक्टर इज एन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैरेक्टर इज बी एल। तो हम यहाँ पे एसक्यूएल में जो कैरेक्टर हमें छोड़ना है उसके लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं, एक कैरेक्टर एक अंडरस्कोर। हमारी रिक्वायरमेंट थी सेकंड कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए एक अंडरस्कोर मैंने दिया यहाँ पे, देन मैंने सेकंड कैरेक्टर पुट किया, कौन सा चाहिए एन चाहिए। उसके बाद थर्ड फोर्थ कैरेक्टर के लिए दो अंडरस्कोर पास किए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए हमारे पास बी एन एल चाहिए था हमें। उसके पास वाले उसके बाद वाले कैरेक्टर्स के लिए अंडरस्कोर पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कितने भी हो सकते हैं ना, उसका काउंटिंग हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हमने परसेंटेज यहाँ पे डाला ठीक है। ये क्लियर है सबको? हाँ, तो अभी नेक्स्ट चलते इस क्वेश्चन के लिए कि अगर ऐसे कितने रिकॉर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं एंड एन से एंड होते हैं ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए से स्टार्ट होंगे राइट, एंड लेट्स से एवरीथिंग आफ्टर इट परसेंटेज एंड देन एन, ऐसे ये ए से स्टार्ट होता है, उसके बीच में कितना भी हो सकता है डेटा, बट एंड एन से हो सकता है। ए से स्टार्ट होता है, एन से एंड होता है, एंथनी जॉनसन ए से स्टार्ट होता है, एन से एंड होता है, इस एंड्रयू गिजर्टसन समथिंग कुछ नाम है इसका, ए से स्टार्ट होता है, एन से एंड होता है। तो लॉजिक हम कैसे भी तरह घुमा सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा उसके ऊपर राइट। परसेंटेज साइन जो है, ये परसेंटेज साइन हम एवरीथिंग के लिए यूज करेंगे। हमें फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर पता है ए एन, उसके बीच में कितनी भी लेंथ हो सकती है ना, कितना भी बड़ा नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीच में स्पेस हो सकता है, व्हाटएवर जो भी रहेगा, उस सब के लिए हम परसेंटेज साइन दे रहे हैं यहाँ पे। सो इसका मतलब ए से स्टार्ट है, बीच में व्हाटएवर एवरीथिंग एंड देन एंड विथ एन ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें?
सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा, ये वाला? हाँ ओके। सो रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि ऐसे कस्टमर के नाम हमें चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हो एंड एन से एंड होते हो। तो जैसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी ये जो था हमारा कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था कि ऐसे नाम चाहिए हमें जो ए से स्टार्ट होते हो। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि ए परसेंटेज जो लिखा था हमने इसका मतलब है कि ए से स्टार्ट होने वाले एंड एवरीथिंग आफ्टर इट। लेकिन हमारे पास अभी लोअर लिमिट भी, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दो लिमिट जो होते हैं स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, हमारे पास स्टार्ट पॉइंट भी है हमारे पास एंड पॉइंट भी है। हमें जो फर्स्ट हमने एग्जांपल देखा था उस टाइम पे हमारे पास वही एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमें ऐसे नाम देखने थे जिनकी स्टार्टिंग ए से होती है, हमें एंड पॉइंट नहीं पता था, इसलिए उसके लिए हमने परसेंटेज यहाँ पे पुट किया था। नाउ हमारे लिए अभी ये तो जैसे सेकंड कंडीशन थी कि जिसका नाम एन से एंड होता हो, तो इसके लिए भी हमने ये परसेंटेज पहले डाला देन एंड विथ एन डाला क्योंकि हमें पता है कि एंड पॉइंट एन है, तो एन हमने मेंशन किया, परसेंटेज उसके आगे कुछ भी हो सकता है ये हमें पता नहीं है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए ए परसेंटेज परसेंटेज एन ऐसे लिखने की अलावा दो परसेंटेज साइन लिखने के अलावा मैं बस एक परसेंटेज साइन लिख रहा हूँ कि ए से स्टार्ट होते हो उन दो वर्ड्स के बीच में कुछ भी रहेगा तो उसके लिए परसेंटेज में डिनोट कर रहा हूँ एंड एंड विथ एन हो सकता है। तो ए परसेंटेज एन इसका मीनिंग यही हुआ कि वो कस्टमर नेम जो ए से स्टार्ट होते हो एंड एंड होते हो एन से। अभी क्लियर है? यस सर यस सर यस सर नहीं, अभी इस केस में आप एक ही कॉलम में ये जो सेल है आप स्पेस से उसको डिवाइड कर रहे हो राइट सरनेम को, तो आपको अभी ये पता नहीं है कि मतलब लिमिट नहीं दे सकते आप यहाँ पे एक एक ही वैल्यू को एक ही सेल के अंदर जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है। अगर आपको उसको पहले तो फर्स्ट नेम एंड सरनेम ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग कॉलम्स में, ये मेरे फर्स्ट नेम की है देन ये मेरे सेकंड नेम की है, देन उन दो कॉलम्स के ऊपर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि एक सेल में जो वैल्यूज इंटर होती है जैसे मैं एक सेल में कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ तो वो वैल्यू पूरी मानी जाती है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ये एंड्रियन बार्टन जो नाम लिखा हुआ है ये एक सेल में लिखा हुआ है राइट, तो इस सेल की वैल्यू मैं इस पूरे नाम को कंसिडर करूंगा ना कि ऐसे कंसिडर करूँ कि इस सेल की वैल्यू सिर्फ एंड्रियन है या इस सेल की वैल्यू सिर्फ बार्टन है। सेल की वैल्यू सेल में कितनी इन्फॉर्मेशन फुलफिल हुई है एंड्रियन बार्टन करके हुई है। अगर आपको फिर फुल नेम एंड सरनेम को अलग अलग करना रहेगा या अलग अलग ऑपरेशन करना है इंडिविजुअल्स पे तो इसके आपको दो अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे जो आपको फुल नेम दे एंड सरनेम दे अलग अलग। ये बाद में देखने वाले हम कि हाउ वी कैन डू दिस कॉलम्स कैसे बनाएं आउटपुट में। और जितने भी ये सेलेक्ट क्यूरी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ये सिर्फ हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये डेटाबेस में कहीं पे स्टोर नहीं हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर आईडी और परसेंटेज ये इसका मीनिंग क्या है, बस हम सर्च कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा में इस क्राइटेरिया को लेके हम सर्च कर रहे हैं और उतना डेटा को फेच कर रहे हैं बस। इस क्यूरी से उस डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला राइट, दिस इज फॉर एनालिसिस पर्पस आप क्यूरी करके डेटा को बस ले रहे हो फेच करके ठीक है। तो मान लो कि हम कोई कॉलम भी बनाते हैं तो वो बस इस आउटपुट में जो आपको देखेगा उसके लिए होते हैं, वो डेटाबेस में नहीं बनते एक्चुअली। डेटाबेस में कॉलम बनाने रहेंगे टेबल्स में तो हमें पता है कि ऐड कॉलम के थ्रू हम करते हैं समटाइम्स, सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू कोई भी ऐड कॉलम्स नहीं करेंगे। जो भी कॉलम्स बनाएंगे सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू वो बस आउटपुट में यहाँ पे देखने के लिए, एक्चुअल डेटाबेस में वो ऐड नहीं होंगे जब तक आप ऐड कॉलम का सिंटैक्स यूज नहीं करते तब तक। समझ में आ रहा है नहीं? वो कॉलम्स का हम देखेंगे जब हम एक्चुअल पढ़ेंगे कि कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं केस व्हेन स्टेटमेंट या इफ एल्स के वगैरह यूज करके, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे कॉलम्स को क्रिएट किया जाता है ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए, द
कस्टमर नहीं है. स्टार्ट विद ए और बी और सी, ऐसे कस्टमर के नाम जो ए और बी और सी से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अभी तक तो हम एक ही लेटर लेके चल रहे थे, ए से स्टार्ट हो तो हम लिख सकते हैं कि ए परसेंटेज, बी से स्टार्ट होती है तो बी परसेंटेज, सी से स्टार्ट होती है तो सी परसेंटेज. लेकिन हमें तीनों को एक साथ लिखना है, ए से स्टार्ट होते हुए, बी से स्टार्ट होते हुए, सी से स्टार्ट होते हुए. तो कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे कस्टमर का नेम, आई टेक ओनली वन कॉलम, कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम लाइक, ओके ये ऐसे है स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी, मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो ऐसे नाम आएंगे जो ए से, सी से या बी से स्टार्ट होते हैं. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है ए बी सी, इसका मतलब होता है ए और बी और सी. ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट हो, कभी कभी हम हमें क्यूरीज में या इंटरव्यू क्वेश्चंस में बोला जाता है कि ऐसे कुछ लेटर्स या ऐसे कस्टमर के नाम फाइंड आउट करो जिसमें एंड ए से हो या बी से हो, और आइदर और नाइदर नॉर, ये जो वर्ड्स है वो यूज़ किए जाते हैं, उस टाइम पे आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा कि आउटपुट में आइदर वो ए से स्टार्ट होता है और बी से स्टार्ट होता है और सी से स्टार्ट होता है. सो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट फॉर और ऑपरेटर. परसेंटेज मतलब आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, बट उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है ना नाम, फुल नेम. इसका इसका मीनिंग है ए परसेंटेज और बी परसेंटेज और सी परसेंटेज. ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए दिया है ए और बी और सी. तो ए अगर मैंने पकड़ा तो ए परसेंटेज और बी परसेंटेज और सी परसेंटेज, स्टार्ट विथ ए और बी और सी. Let's say now this is the requirement. Second character is R and fourth character is I or S. Second character is R. Second character R चाहिए मुझे. Fourth character जो है वो I और S चाहिए. समझ, requirement समझ रहे हो? इसको कैसे लिखेंगे? This is our okay. अभी लिंक लग रही है ना कि आई और एस के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ कैरेक्टर कैसे मांगा हुआ है, आई और एस चाहिए उनको. अगर यहाँ पे ऐसा होता कि फोर्थ कैरेक्टर इज, फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर इज आई एंड एस, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, राइट? क्योंकि उन्होंने बोला है कि फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर आई एंड एस चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है हमने, और इसलिए डाला है. समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं रन करूं तो ऐसे कस्टमर के नाम जिसमें सेकंड कैरेक्टर तो आर है, फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर आई एंड एस है. सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है. ठीक है, ये नाउ Tell me this.
I or S. Select second character is R and fourth character is not I or S. सेकंड कैरेक्टर तो आर चाहिए मुझे, लेकिन ये फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर जो हमने डाला अभी, फोर्थ कैरेक्टर मुझे आई भी नहीं चाहिए, एस भी नहीं चाहिए. तो कैसे करें? ठीक है, इसके लिए एक्सपोनेंट देते हैं हम यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट है ना इसको ऐसे लिखेंगे. सेकंड कैरेक्टर आ रहे हैं हमारा, थर्ड के लिए अंडरस्कोर दिया, फोर्थ के लिए बात चल रही, राइट. तो फोर्थ के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहाँ पे है वो, ये सिक्स नंबर, ये एक्सपोनेंट का साइन जो है, ये एक्सपोनेंट का साइन, देन आई एस, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, परसेंटेज. इसका मीनिंग होता है जो ब्रैकेट के अंदर है वो नॉट. ऊपर हमने क्या किया था, ये चाहिए हमें ब्रैकेट में जो चाहिए आई और एस चाहिए, इस ब्रैकेट में जो है आई और एस वो हमें नहीं चाहिए. इसमें डिफरेंस देखो, इसको अगर रन किया हमने इस वाली कमांड को, तो ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे जिनमें सेकंड कैरेक्टर तो आर है लेकिन फोर्थ कैरेक्टर जो है वो आई एंड एस नहीं है. और ये वाला जो क्यूरी था इसमें क्या है, सेकंड कैरेक्टर आ रहे बट फोर्थ कैरेक्टर जो है वो आई और एस चाहिए. ब्रैकेट के अंदर जो है, ये ब्रैकेट के अंदर की जो कंडीशन है और कंडीशन, फर्स्ट केस में ये हमें चाहिए, फोर्थ कैरेक्टर जो है वो आई और एस चाहिए. सेकंड केस में फोर्थ कैरेक्टर हमें आई भी नहीं चाहिए, एस भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए हमें. समझ में आ रहा है ये डिफरेंस? सबको ऑनलाइन स्टूडेंट, लाइक ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में 110% इस पे क्वेश्चन होगा ही होगा लाइक ऑपरेटर्स. कवर लास्ट वन, सी दिस इज द रेंज. रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसे कस्टमर नेम चाहिए जो ए टू जी, ऐसे कस्टमर नेम, ऐसे कस्टमर नेम चाहिए मुझे जो ए, जिनके नाम जो है वो ए से जी तक, या ए से डी, ए बी सी डी एक रेंज है ना, ए बी सी डी एफ जी. तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनके नाम ए से लेके जी तक है, ये रेंज इसके अंदर है, वो मुझे चाहिए. इस रेंज, बेसिकली इस रेंज के अंदर का मुझे कस्टमर नेम चाहिए जिनके स्टार्ट नाम होते हैं ए से लेके जी तक, ये पूरी जो रेंज है उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे. लेट्स से स्क्वायर ब्रैकेट ए डैश जी स्क्वायर ब्रैकेट परसेंटेज. ये जो हाइफन है जो मैंने दिया है बीच में, ये बेसिकली रेंज को डिनोट करता है ए से लेके जी तक. इसको अगर रन करता हूं मैं, उतने सारे आ जाएंगे ए से लेके जी जिनकी स्टार्टिंग ए से होते और जी से लेके जितनी रेंज है ए बी सी डी ई एफ जी, वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे जिनके नाम स्टार्ट होते हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ए से लेके जी तक. ठीक है, इसको सेम वे अगर मैं ऐसे लिख दूं, नॉट लाइक दिस, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? ऐसे सारे नाम दो मुझे जो इस रेंज में नहीं है, मतलब इस रेंज में जो आउटपुट रहेगा उसको एक्सक्लूड कर दो. अगर मैंने इसको रन किया तो इस रेंज को छोड़ के बाकी जितने रहेंगे ना वो सारे आएंगे.
क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है नॉट लाइक किया, लाइक में भी आप लाइक नॉट लाइक ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ना कि आपको लाइक से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको आपको एक्सक्लूड करना है, वो नहीं चाहिए आपको, तो सिंपल डायरेक्टली नॉट लाइक लिख दो, जो रिजल्ट होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? चलेगा, एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हो, ऐसे बोल रहे हो ना कि लाइक एक्सपोनेंट, राइट, किधर है ऐसे बोल रहे हैं ना, सेम रेंज रहता है 610 में, वही सारे रिकॉर्ड से जो इस रेंज में नहीं है। तो ऑप्शंस या आंसर्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज कौन सा करते हो, आपको कौन सा इजीएस्ट लगता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए, क्यूरी लिखने के लिए, राइट। तो लाइक नॉट लाइक भी यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंट यूज करके भी जो नहीं चाहिए उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। हो सकता है कि आपको पता है कि लाइक ऑपरेटर यूज करके उस रिजल्ट को कैसे लाना है, बट ये पता नहीं है कि उस रिजल्ट को रिमूव कैसे करना है, तो नॉट लाइक यूज करके रिमूव करो। ऐसा हो सकता है ना कभी कभी कि आपको नॉट लाइक उस पर्टिकुलर रिजल्ट को लाना कैसे ये पता है लेकिन रिमूव करना नहीं पता, तो आप नॉट लाइक यूज करके उस रिजल्ट को रिमूव कर सकते हो जो लाइक ऑपरेटर से आपको मिल रहा हो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, W3 स्कूल पता है सबको, W3 स्कूल पे बेसिकली इसका ये भी मिलेगा आपको लाइक ऑपरेटर्स के, मैंने तो बस सेलेक्टिव वहाँ से लिए हुए लाइक ऑपरेटर्स, और सारे बहुत सारे ऑप्शन लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है वो मैंने कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। W3 स्कूल रहेंगे यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ो, पर साथ में साथ इसको पढ़ते जाओगे तो कंसेप्ट आपकी और क्लियर होती जाएगी। कुछ डाउट रहेगा तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो उस चीज़ की, आपके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लिख के, ठीक है। जैसे जैसे हमारे मैंने जैसे बोला कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में वाइल्ड कार्ड्स वर्ड यूज़ किया जाता है, तो अगर आपको लाइक ऑपरेटर पता है, वाइल्ड कार्ड्स आपने सुना नहीं होगा या भूल गए होगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि वाइल्ड कार्ड्स क्या नया पूछ लो, वाइल्ड कार्ड इज नथिंग बट लाइक ऑपरेटर, दोनों के लिए अल्टरनेट वर्ड्स लाइक ऑपरेटर वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है, ठीक है। फाइन देन, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे, बट लेकिन मेक श्योर कि प्रैक्टिस करो। लाइक ऑपरेटर आपका हुआ है तो मैं असाइनमेंट जो है आपकी अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। सॉल्यूशन जो रहेगा उसका, वो सॉल्यूशन आपको 2 दिन के बाद मिलेगा, आपके हिसाब से आप खुद से ट्राई करो असाइनमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस में थोड़ा ऊपर नीचे भी है, मतलब वहाँ पे जो आंसर एक्सपेक्टेड किया है हो सकता है कि आपको वो आंसर नहीं आए, नंबर ऑफ रोज कम आए, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट है, ठीक है। पहले ट्राई करो आप, लेट मी सी आप क्या करते हो वहाँ पे, एक्चुअली आपको क्या आंसर्स मिलते हैं, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस, ठीक है। बट ट्राई इट फर्स्ट, एकदम से आंसर शीट मिलने के बाद एकदम से आंसर मत देख लेना सर, क्योंकि क्वेश्चन का जब आंसर देख लेते हो ना तो उसकी जो आप जिस पे सोचना चाहते हो, आपका माइंड जिस पे थिंकिंग करना चाहते हो ना, वो नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो जितना हो सके आप खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट 1 or 2 ट्राई दो उसको असाइनमेंट को, देन सॉल्व नहीं होता तो देन आंसर देख लो, बट पहले खुद से ट्राई करो 2-3 बार तो एटलीस्ट, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है? सर
नहीं लाइक ऑपरेटर वायर कर सकते हैं। स्टूडेंट जाना मत, वेट करो तुम। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कैप्चर कर लिया मैंने, आप लीव कर सकते हो।